लोगों का वेलकम मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो है जो है काफ़ी दिन बाद स्पेगेटी बना रहा हूँ मैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी आपने काफ़ी टाइम से स्पेगेटी या मैक्रोनी नहीं बनाई, तो मैं भी बना रहा हूँ स्पेगेटी। तो आप देखिए वीडियो एंड तक, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। और स्पेगेटी मैं कैसे बना रहा हूँ आप देखते रहे। अब ये मैं काफ़ी दिन बाद हम स्पेगेटी खा रहे हैं, मगर अब ये पता नहीं ये पैकेट वाली बहुत मिर्ची वाले मिर्ची देने लग गए हैं, क्या करूँ यही बनाऊँ। मुझे इसका मसाला रोकना पड़ेगा, बहुत मिर्चा डालते हैं स्पेगेटी पीस देते हैं और मसाले भर देते हैं। तो अब देखते हैं कैसा बनता है, मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसका मसाला कम करना पड़ेगा। काफ़ी दिन बाद खा रहे तो कुछ अच्छी तो बने स्पेगेटी। तो यहाँ पे वो पानी में भगोना बोल रहा था, भगोने में पानी डाल के चढ़ा दिया। और यहाँ पे जो दूसरे भगोने पे जो बन रहा है ना, वो है क्या है, अरवी गोश्त बन रहा है। वो यहाँ पे अरवी गोश्त बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है अभी स्पेगेटी काफ़ी टाइम बाद। और अभी बच्चों ने पिज्ज़ा मंगवाया क्योंकि स्पेगेटी में बहुत टाइम है, तो उन्होंने बोला भूख लग रही है, तो जब तक ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो अभी ये पिज़्ज़ा मंगवाया था, वो देखो इबाद ये पिज़्ज़ा ले जाओ, ये लो। क्या चाहिए? पेप्सी अच्छी नहीं होती, पेप्सी से तबीयत खराब हुई है, तुम देवना पी लो। पेप्सी से तबीयत खराब हुई है, देवना पी लो। नहीं मिलेगी ना बबल मिलेगी, ना ही पेप्सी मिलेगी, नहीं। पिज्जा बड़ा चीजी ऐसा है, कौन सा पिज्जा है ये? टिक्का पिज्जा है ना। मिर्चे कम है तो मिर्चे मैंने कम ही रखवाई थी, मिर्चे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती ना। हाँ अभी ये फ्रूट आए, मेरा फेवरेट है, फेवरेट गर्मियों का खास वाटरमेलन, ठंडा ठंडा करके खाएं और लाल लाल खाएं और मज़े उड़ाएं। रमज़ान में सबसे अच्छा ये लगता है। अभी आम भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी आम आ नहीं रहे, इतनी गर्मी लग रही है और आग को भगोना नहीं लग रहा कि इतनी देर हो गई कि आग जले जा रही है, लेकिन इसमें बॉयल नहीं आ रहा, अब आने लगा है थोड़ा थोड़ा। क्या यहाँ पर ही खड़े रहे क्या हम? एक तो गरम गरम भक्के भी आ रहे हैं इसके, मैं वैसे पकाता हूँ ऐसे दूर से चम्मच से चला। दो पैकेट में सिर्फ इतना सा बोनलेस लूँगा मैं चिकन का, क्योंकि किसी को चिकन पसंद ही नहीं है इतना स्पेगेटी के अंदर, सब साइड कर देते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल दूँ, सबसे ज़्यादा डालूँगा। इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा ऑयल, चंद कतरेस। तो ये स्पेगेटी है ना, इसके मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं बीच में से, और ये मैंने डाल दी एक पैकेट, और एक पैकेट और डालूंगा मैं भी। तो ये देखें, और स्पेगेटी को अच्छे तरीके से मैं बॉयल कर लूँगा और फिर इसको मैं निकाल लूँगा। और बात, अगर आप ये डिब्बे में से पीछे देख के बनाएंगे ना, तो आपकी स्पेगेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनने वाली। तो इसके पीछे जो लिखे हुए ना, ये चीज़ें बता रही हैं डालें इस तरीके से कभी मत बनाएं, वरना आपकी स्पेगेटी बहुत मिर्च वाली और अजीब से बनेगी। तो हम बस मसाला इसका थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, बाकी बनाऊँगा मैं अपने तरीके से। तो अभी स्पेगेटी बॉयल हो चुकी है अच्छी तरीके से, और ये देखें बस मैं अभी इसे निकाल लूँगा और ठंडे पानी से कर लूँगा, और थोड़ा सा ला के जो रखते हैं, बॉयल करना तो आती ही होगी, तो अभी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने देखे छन्ने में निकाल लिया, और इसको अच्छी तरीके से पानी से नहला दूंगा स्पेगेटी को। वैसे ये अगर थोड़ी देर रखना है तो जब भी जम जाती है, यानी कि चिपक जाती है, तो आप जब डालने लगे उससे पहले भी एक बार ठंडे पानी से कर लें, अगर चिपक जाए तो, अगर चिपके नहीं तो कोई बात नहीं, सही है। देखिए मैंने वही भगोना ले लिया है जिसके अंदर मैंने स्पेगेटी को बॉयल किया था, और इसमें ऑयल डालेंगे, बस ऑयल इतना काफ़ी है। और ये प्याज है, तकरीबन दो प्याज हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो ये दो प्याज सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और इसको चला लेना है। धुएं क्यों इतने उठ रहे हैं, क्या हो गया, मुंह पे आ रहे हैं? तो धुएं मुंह पे इसलिए आ रहे हैं, इसलिए मुंह पे चुपक रहे हैं धुएं, क्योंकि चिमनी खुलने में भूल गया था। वाह भाई वाह, कहाँ है चिमनी, यहाँ अब खोलिए चिमनी, अब धुएं मुंह पे नहीं आएंगे। अच्छा यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन, मैंने इसके अंदर डाल दिया। वैसे तो मैं इसके अंदर टमाटर भी डालता हूँ, लेकिन टमाटर अभी मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था भुनाई वुनाई करने का, तो मैं टमाटर की जगह केचप यूज़ कर लूँगा।
वैसे हम भाई अपने स्टाइल से बनाते हैं, तो इसलिए जो ना मैं टमाटर डालता हूँ, लेकिन अभी दिल नहीं चाह रहा टमाटर डाल के भूनने का। और ये चिकन भी जो था बोनलेस, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको भी अच्छी तरीके से मैं भून लूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद। अभी ये थोड़ा बर्फीला हो रहा है चिकन, लेकिन अभी थोड़ी देर पकेगा तो ये नरम मुलायम हो जाएगा और फिर भूनता हूँ मैं इसको, फिर दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। ओके, तो गर्मी तो बहुत बढ़ गई है, किचन में भी बहुत गर्मी हो रही है, तो स्पेगेटी ये है कि स्पेगेटी का ताल्लुक ये है हमारे घर में कि स्पेगेटी ज़्यादातर मैं ही बनाता हूँ, बाकी सब चीज़ें ये लोग बनाते हैं। बाकी स्पेगेटी के टाइम पे बोलते तहसीन बनाएगा क्योंकि वो शुरू से मैं बनाते आ रहा हूँ और वो मेरे हाथ की अच्छी लगती है इन लोगों को। ये देख सकते हैं आपके चिकन तो जो था जमा हुआ था और अब ये हो गया है नरम, तो अब इसके मैं बताऊँ क्या करूँगा, इसी में ऐसे करके मार मार के इसको टुकड़े कर दूंगा, तो ये थोड़े छोटे छोटे टुकड़े इसी में हो जाएंगे। ओके, जैसे ऐसे करके मैं टुकड़े कर लूँगा इसके, ये देख मैं सब मैंने चिकन के टुकड़े कर लिए इसी के अंदर और थोड़ा सा भून लिया और यहाँ पे जो मसाला था ये डाल दिया। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है ताकि ये मसाला और गोश्त जगह से मिक्स हो जाए, भुन जाए थोड़ा सा। तो मैंने देखें, आप देख सकते हैं इसके अंदर लाल मिर्ची कुटी हुई बहुत सारी डाली हुई है, इसलिए मैं दूसरे का जो मसाला है ना वो मैं आधा ही डालूंगा, वरना ज़्यादा मिर्ची हो जाएंगी फिर वो बहुत स्पाइसी हो जाती है, खाया नहीं जाता। तो अभी देख सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें कितनी सारी डाली हुई है, इसलिए आधा बचा लेंगे मसाला। अगर आप एक पैकेट बना रहे हैं तो आप एक पैकेट में भी आधा मसाला डालें, पूरा मत डालें, वरना फिर ऐसी मिर्ची लगेंगी ना पता चल जाएगा। तो ये डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर आधा, बस बाकी मैंने बचा लिया आधा इसको। ये सब सब्जियाँ डाल दूंगा, ये शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजरें, तो ये तीन सब्जियाँ मैंने ली हैं बस, तो ये मैं डाल दूंगा इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगा इसे मैं। और अभी मैं इसके अंदर कुछ सॉसेस वगैरह भी डालूंगा तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मिक्स कर लूँ उसको अच्छी तरीके से। और ये सब्जियाँ भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं और थोड़ी सी घुल मिल गई हैं, और अभी यहाँ पे लाइट भी चली गई है, तो इसे मोबाइल की टार्च पे ये हो रहा है जो भी हो रहा है नज़र आ रहा है आपको। ओके, और यहाँ पे डालूंगा अभी मैं थोड़ा सा सोया सॉस डाला, अभी मैं सिरका भी डालूंगा, ये रहा सिरका। तो यहाँ पे जो अम्मी ने घर में बनाया था केचप वही डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, टमाटो केचप। तो ये मैं डाल दूंगा अपने टेस्ट के मुताबिक, मिक्स कर लूंगा अच्छी तरीके से, और बस इसको एक दो मिनट पकाने के बाद इसके अंदर मैं स्पेगेटी शामिल कर दूंगा जो मैंने बॉईल करके रखी। आया है वो बारी, सबसे बुरा मरहला, जो कि ये है स्पेगेटी एंड में डाल के और इसको मिक्स करना। बहुत मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत ऐसा लगता है इसी में लगती है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना बहुत मुश्किल काम है, मिक्स ही नहीं होती मैक्रोनी है ना, वो आराम से मिक्स हो जाती है। तो अभी मैं इसको मेहनत मशक्क़त करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और ये फजीता थोड़ी वाइट वाइट बनती है, जो चाउमीन होती है वो लाल लाल बनती है, और बस ये है। बाकी अब खाएँगे इसको गर्मा गर्म, अभी पेस्ट थोड़ी देर बाद पेस्ट करेंगे इसे। तो ये तैयार हो चुकी है, तो भाई कमरे की हालत बनाई हुई तुम बच्चों ने, सारी ज्यादा खराब करके रखी हुई है। किसने कराया था ये सब? इबाद ने किया? हाँ। तो मुझे पता है तुम तीनों ने किया, ये मिल क्या है? तुमने अगर नहीं करा तो तुम ठीक कर सकते थे चादर। अरवी गोश्त मैं तो गई थी मैं डॉक्टर के। अच्छा, क्या ये अरवी गोश्त? अरवी गोश्त मटन, अरवी गोश्त। और यहाँ पे स्पेगेटी, इसको भी गरम करनी है ना, ये फजीता स्पेगेटी है, इसको भी गरम कर ले। ये गरम हो गई है दोबारा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद खा रहे हैं खाना, तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ डिश में, और ये पीछे से बहुत शोर मचा रहे हैं लोग। तो बस यहाँ पे मैं डिश में निकाल रहा था, और बहुत अच्छी बनी थी स्पेगेटी, अगर मैं दो पैकेट डाल देता तो कुछ ज़्यादा ही मिर्च हो जाती, इसमें भी थोड़ी बहुत थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी, अच्छी बनी थी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक कि अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे हमने दस्तरखान बिछा लिया है और बस हम खा रहे हैं अरबी गोश्त और स्पेगेटी। असल में मुझे एडिटिंग करना है, तो चलो यहाँ।
तुम इधर भी आ गए? हाँ? ये चलो उधर जाओ, मुझे एडिटिंग करना है। तो हसन, हसन हिलो मत। अब मुझे ये एडिटिंग करनी है पूरी वीडियो की फाइनल।